हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम अपनी न्यू ओला F1 एयर के फीचर्स बताएंगे गाइस, वो भी आपको यहाँ पे टाउन पार्क में। हम लेके आए हैं क्यूब की, यहाँ पे हम अच्छे से चला के दिखा सकते हैं। चलो बताओ, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओला ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है टोटरी बैटरी पे, और इतनी अच्छी माइलेज है, इतनी अच्छी पिकअप है। इसकी पिकअप की बात करें तो इसने एक्टिवा को, होंडा एक्टिवा को फेयर कर दिया। ठीक है, अभी पापा होंडा एक्टिवा की पिकअप फेमस थी। ठीक है, कि इसकी पिकअप को कोई मोटरसाइकिल कोई कुछ नहीं कर सकता, इतनी सीसी के बाद भी ओला ने इसको पीछे छोड़ दिया। मीन्स इतनी अच्छी इसकी पिकअप है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके टायर बड़े हैं तो स्लिप होने के चांसेस के बहुत कम है। अगर हम एक्टिवा की बात करें तो एक्टिवा में हमारे जो टायर आते थे उससे भी इसके 2 इंच के टायर बड़े हैं। आपको पता है कि जितना टायर बड़ा होगा उतना स्लिप के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो यही है। सेकंड, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये टोटरी फोन और टच स्क्रीन ऑपरेटेड है। कोई इसमें कीस नहीं है, सारा टच स्क्रीन है। कीस का ऑप्शन इसमें नहीं है। सारा पार्किंग और सारे सिस्टम इसके अंदर आते हैं। वाईफाई कनेक्टेड है। इसके अंदर जो सिम है ऑलरेडी कंपनी डाल के देती है। इसमें एयरटेल का सिम है जो कि लाइफ टाइम फ्री है। उसने इसने नेविगेटर जो है सारा ऑन करके चलना है। इस पर हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारे फ़ोन की एप्लीकेशन पे इसका सेंसर से आता रहेगा कि ये एक्टिवा कहाँ कहाँ जा रही है, तो चोरी होने के कोई चांसेस नहीं है। सेकेंड, ये पूरा बैटरी परसेंटेज दिखाते थे कि हाँ ये बैटरी परसेंटेज है इसकी। इसमें आप अपने ट्रैक्स भी चला सकते हो। इसमें कंपनी ने दो स्पीकर्स दिए हैं। ठीक है, कितना आप इसमें इको में नॉर्मल स्पोर्ट में आप चला सकते हो, सारा का सारा इसमें पैकअप होता है। फिर सेकंड बात करते हैं हम इसके मोड्स की। आप इसको मोड भी चेंज कर सकते हो। अभी जैसे हम वाइट है, बहुत ज़्यादा ये बैटरी खा रहा है, कुछ है, हम इसको डार्क मोड, जैसे अभी हमने कर दिया, इसको डार्क मोड में भी कर सकते हैं, जो कि नाइट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर आपको बताइए कि हम देखो सारे नियर बाई लोकेशन जो है हम इसमें लोकेशन डाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बैटरी परसेंटेज की। इसका ये लगाओ कि हम इसको एक दिन में अगर 6 घंटे चार्ज करते हैं तो ये 190 किलोमीटर तक चलती है। 190 किलोमीटर कल हमने कितनी चलाई और आज भी चलाई, अभी भी 45% चार्जिंग इसमें पड़ी है। क्योंकि अगर हम बात करें इसने तो चलाई नहीं की इसमें 47.2 समथिंग दिखा रही है कि हम इसमें 47 किलोमीटर चला सकते हैं। फिर उसकी बात करते हैं इसके पावर सिस्टम की। इसके अंदर इंडिकेटर बहुत शानदार है। आगे देख सकते हो इंडिकेटर चल रहा है, आगे से आप दिखा सकते हो। ठीक है, लेफ्ट इंडिकेटर। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, अगर हम कभी करना चाहें तो इसको हम मल्टी भी चला सकते हैं कि चारों इंडिकेटर एमरजेंसी मोड में जैसे होता है तो वो हम चला सकते हैं। जैसे अभी हमने रोकी हुई है तो चलाना। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। सेकंड, इसमें आते 3 स्पोर्ट्स आते हैं। बेसिकली 4 स्पोर्ट्स है, बट हम 3 की बात करेंगे क्योंकि कंपनी 3 प्रोवाइड करती है, इको नॉर्मल और स्पोर्ट्स का। इसमें एक क्रूज मोटर भी होता है, वो हम आपको दिखाएंगे। देखो जैसे हम इसमें ये बटन आ रहे हैं, ये ऊपर तो पावर का बटन है, इसी से ऑन ऑफ होती है। सेकंड, इससे हमारी मोड चेंज होती है। जैसे अभी हम खड़े हैं तो अभी हमारा कोई मोड नहीं है, बट हम इसे नॉर्मल इको और स्पोर्ट्स कर सकते हैं। देन एक क्रूज मोड आता है इसके अंदर, जो कि आपने देखा होगा टोयोटा की गाड़ियों में, बड़ी बड़ी जो महंगी गाड़ी होती है, मर्सिडीज बेंज जितनी बड़ी गाड़ी होती है, उसमें एक मॉडल होता है क्रूज के नाम से। उसमें क्या होता है, हम जितनी लिमिट, अगर मैंने 40 की स्पीड में चलाई हुई है या 60 की या 70 की स्पीड पे चला के, अगर मुझे उसी स्पीड को मेंटेन करना है पूरे रास्ते, तो मुझे ये बटन को प्रेस करके रखना है तो वो मोड उसका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक और फीचर इसके अंदर रिजर्व का, मीन्स आप गाड़ी को पैक कर सकते हो। जैसे मैंने जैसे अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये हमारी स्टार्ट हो गई है नॉर्मल मोड। ठीक है, अगर हम इसमें बैक का दबाते हैं तो हम इसको पैक कर सकते हैं और पूरी स्पीड से ही पैक होती है। ठीक है, और फ्रंट की बात की जाए तो आपको बताइए फ्रंट बड़ी आसानी से हम इसको देखो चला सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, हम इसके फीचर्स की। अच्छा, इसको अगर हमें बंद करना है तो जस्ट हमें पहले इसको पार्क करना पड़ेगा,
स्टैंड करना पड़ेगा। स्टैंड करने के बाद हम इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये जैसे ऐसे भी खुद छोड़ के से। अगर हम इसको 2-4 मिनट के खुद छोड़ के 15 मीटर दूर जाते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। पर वैसे पावर से बंद कर दो, हम इसको दोबारा से स्टार्ट करके दिखाते हैं। सेफ्टी पॉइंट है, अगर ये स्टैंड लगा हुआ है ना लाइक तो ऑन नहीं होगी, तो ये ऑन नहीं होगी। एक्सीडेंट हो जाता है, देखो हमारे जैसे इसमें पासवर्ड डाला है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड से ही चलेगी। सेकंड एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इसका पोर्ट स्पेस का ऑप्शन है, ये इसका पोर्ट स्पेस, हमने इसको क्लिक किया तो इसका ये पोर्ट ओपन हो गया। और इसका ये स्पेस देखो आप, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको पोर्ट स्पेस दिखाया, इसका पोर्ट स्पेस तो मैंने आपको बताया 3 हेलमेट आप इकट्ठे रख सकते हो। 3 हेलमेट का मतलब ये होगा कि आप काफ़ी सारा सामान इसके अंदर रख सकते हो। फिर इसकी जो पोटी है ना वो बहुत हैवी है, और इसकी हाइट अगर हम एक्टिवा नॉर्मल एक्टिवा से कंपेयर करें तो नॉर्मल एक्टिवा से इसकी कम से कम 6 से 8 इंच हाइट बड़ी है। मेरा ये देखो लेंथ वाइज बात करें तो लेंथ में भी इसकी जो लेंथ है वो काफी बड़ी है पहले से। ये देखो गाइस ऐसे में है, और ये देखो ये तो कुछ भी नहीं लग रही इसके बाद में, ठीक है। तो आपने काफी सारे फीचर्स देख रही है, और अब इसके जैसे कि इको मोड पे 45 की स्पीड, मोड देखो नॉर्मल मोड में हम इसको 47 to 55 लेके जा सकते हैं, इको मोड पे भी हम इतने के आसपास 45 तक लेके जा सकते हैं, और नॉर्मल में 60। फिर बात करते हैं हम जब स्पोर्ट मोड की तो हम इसको 20 तक लेके जा सकते हैं। और कितने तक इतनी तकड़ी है, तो एक इधर आ जाओ, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं इसके साथ। एयर जस्ट हल्का सा पुशअप करो, इसका बैटरी चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है। चार्ज अभी हमारे घर पे है तो आपको चार्जिंग करते हुए दिखाएंगे। ये 6 घंटे रहता है चार्जिंग करते हुए, 6 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। हाँ जी, और इसे हल्का सा चला के भी दिखाता हूँ, अभी फिर चला के भी दिखाते हैं। पापा चला रहे हैं, जैसे कि अभी नॉर्मल मोड है, ये अभी नॉर्मल मोड है। देखो नॉर्मल मोड में मैं आपको यहीं से टर्न करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको स्पोर्ट मोड पे दिखाऊंगा। गए गए पापा, स्पोर्ट्स मोड गाइस। जैसे वो नहीं जाती केटीएम कुटिया, बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है, इतने झटके पे मुझे पता नहीं लगता। ब्रेक है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जैसे मोड होता है ना आपको ब्रेक नहीं मारनी पड़ती। हाँ, एक और अच्छा फीचर है इसके अंदर, अगर हम इसको टर्न काटते हैं, टर्न काटने के टाइम पे हमें क्या होता है कि भाई हमें थोड़ी स्पीड को स्लो करना पड़ता है, बट इसमें फीचर ये है कि अगर आप टर्न काटते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आसानी से आप टर्न को काट सकते हो बिना किसी उसके। और अगर हम देखो सबसे मेन होता है मेंटेनेंस के ऊपर, ठीक है, कि आप इसमें कितना पैसा लगा रहे हो कितना नहीं लगा रहे। अब जैसे हम होंडा की बात करें तो इसमें महीने का मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 हज़ार का पेट्रोल इजीली लग जाता है, बट इसमें क्या है आपकी सिर्फ चार्जिंग होनी है, 6 यूनिट फूकती है। अगर मैं 6 यूनिट को भी कहूँ तो मैं कहूँ कि महीने का मैक्स टू मैक्स 200 से 300 रुपये आपके बिजली के लगेंगे। बाकी नॉन मेंटेनेंस है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि इसकी कोई सर्विस नहीं होनी। अगर आपको कभी लगता है कोई पंचर वेंचर होगा तो इसके जो टायर है वो ट्यूबलेस है, 40 रुपीज़ में आपका पंचर लग जाता है। और सेकेंड इसकी कोई सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं वारंटी के ऊपर, ठीक है। वारंटी अगर हम उसकी बात करें तो हमें वारंटी मिलती है 1 साल की 2 साल की, मैक्स टू मैक्स होली दिवाली पे जब स्कीम में निकलती है तो 5 साल की उसकी वारंटी मिलती है। बट वो वारंटी सिर्फ पार्ट्स के ऊपर नहीं होती, आपकी इंजन के ऊपर होती है। इसकी वारंटी जो है वो 8 ईयर्स की है, 8 साल की वारंटी है इसकी, और पूरी बॉडी पे, पूरी 8 साल की बैटरी पे, और चार्जर पे भी, ठीक है, 8 साल। कोई स्क्रैच क्रूच कुछ भी हो, देखो स्क्रैचेस तो एक अलग चीज है, बट इंटरनल बॉडी में कोई दिक्कत आ रही जैसे ज्यादा ठुकी हो वैसे, ठुकने की बात अलग होती है। अगर इंजन में खराबी आ रही है तो कंपनी ठीक करके देगी, ठुकना तो हमारी गलती होगी ना, तो वो अलग, वो इंश्योरेंस में कवर होता है, इंश्योरेंस अलग चीज है। इंश्योरेंस हमने इसका करवाया है, वो ऑप्शनल होता है इसके अंदर, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। अगर आप करवाना चाहो इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस करवाओ, अगर नहीं करवाना तो भी कंपनी इसको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी हमने अपनी सेफ्टी पॉइंट से हमने ICICI बैंक का इंश्योरेंस लिया है, जिसके हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमने अपने डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करके रखे हैं। फिर भी
कंपनी ये कहती है कि आपकी अपनी मर्जी, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहो या ना लेना चाहो वो ऑप्शनल है, वो आप वो नहीं कर सकते। सेकंड, अब इस बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, ठीक है। देखो अगर हम एक्टिवा लेने जाएं, पहले तो मिल जाया करते 60-70,000 की, पर आज की डेट में एक्टिवा का जो कॉस्ट है वो नॉर्मल 1,00,000 के आसपास चला गया है। ये हमारी कॉस्ट करती है 1,16,000, 1,16,000 रुपये की हमें ये पड़ी है नॉन मेंटेनेंस पे। टोटली ऑनलाइन प्रोसेस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, सर्विस बहुत अच्छी थी। हमें सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके, जैसे अमेजोन से हम कुछ शॉपिंग करते हैं, सेम ऐसे ओला का एक ओला इलेक्ट्रिक के नाम से एक वो है ऐप है, उसमें जाके हमने सारा प्रोसेस करना है A to Z। कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, ऑनलाइन आपका JC नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तब उसको हमें कवर अप करना है, ठीक है। अब ये आप पूरी लुक इसकी देख सकते हो, ठीक है। और भी अगर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, हम उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। और रही बात अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो ये वर्थ इट है, 1,16,000 रुपये में ये वर्थ इट है, आपको लेनी चाहिए, आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप एक्टिवा या ओला लेने का मूड में हो तो इसको आप पक्का ट्राई कर सकते हो। और आगे आगे तो वही इलेक्ट्रिक ही चलनी है, आगे आगे इलेक्ट्रिक है। और अच्छा एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट, वो मैं बताना भूल गया आपको, सबसे इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी मिलती है 90 डेज के अंदर। सब्सिडी मतलब अप्लाई नहीं पड़ती, अभी मैंने अप्लाई नहीं की है, बट सब्सिडी आपको बताइए कि सब्सिडी मिलती है, मेरे को भी सब्सिडी मिलनी है। हरियाणा में मेरे को पता लगा कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो सब्सिडी है वो 19,000 समथिंग में है, 20,000 मान लो, मीन्स अगर मुझे 1,16,000 की पड़ी है तो 20,000 के आसपास मेरे को खाते में वापस आएंगे, तो इट मीन्स मेरे को ये एक्टिवा 96,000 के आसपास पड़ेगी। तो वो सब्सिडी अभी पूरा क्लियर नहीं कह रहा, ठीक है, बट सब्सिडी हमारे पास आनी है, वो अप्लाई करनी पड़ती है, अभी मैंने अप्लाई नहीं की। सबसे ज़्यादा सब्सिडी गुजरात में मिलती है 26,000, हरियाणा में जो सब्सिडी वैल्यू है वो है कुछ 20,000 के आसपास, तो आप वो सब्सिडी आएगी तो ये हमें 95 से 1,00,000 के आसपास ही पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो होंडा इसकी सेम रेंज है। होंडा में मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बताऊँ, मैंने पिछले 25 डेज में 3,000 से ज़्यादा का पेट्रोल डलवा चुका हूँ, आज भी सुबह 400 रुपये का पेट्रोल डलवा के आया हूँ, और इसमें मैंने सिर्फ 3 दिन में एक बार 6 घंटे भी नहीं, 5 घंटे के आसपास चार्ज किया है, और 3 दिन हो गए हम घूम रहे हैं। मुझे लगता है अभी 2 दिन में और घूम सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। आपने कभी देखा कि हमने कितने टाउन पार्क के चक्कर काटे, नहीं कितने चक्कर काटे, फिर भी अब तक चल रही है, आज भी ये अभी चल रही है। और गाइस कोई इसको एक बार चलाएगा ना तो उसको दूसरी ये वाली चलाने का मन ही नहीं कर रहा, हमारा ये वाली चलाने का मन ही नहीं कर रहा। और बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। बाकी ठीक है, चलो गाइस हम इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करते, मैंने इस ब्लॉग में आपको डिस्क्राइब करना था ओला के बारे में, जो कि मैंने पूरे अच्छे से आपको कर दिया। फिर भी अगर आपको इसके एक्स्ट्रा कुछ भी पूछना है तो आप जब मर्जी कमेंट करके मैसेज करके हमसे पूछ सकते। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर इसके बारे में कुछ और भी पूछना है, कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या फिर मेरी आईडी आपको इंस्टा की आईडी पे आप पूछ सकते हो, रोहित फैशन डिजाइनर के नाम से मेरी आईडी है। तो कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अब हम इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो जिसने अब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया प्लीज़ कीजिए, और जिसने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।